दोष न देओ राहिनो। दोष न देओ राहिनो, दोष न देओ राहिनो। दोष न देओ राहिनो, दोष न देओ राहिनो। मत चले मत चले जब बुढ़ा हो वे, मत चले जब बुढ़ा हो वे, मत चले जब बुढ़ा हो वे। दोष न देओ राहिनो, दोष न देओ राहिनो। मत चले जब बुढ़ा हो वे, मत चले जब बुढ़ा हो वे। दोष न देओ राहिनो, देओ राय। गल्ला करे घने चले, मत चले
का हो वे मत चले जब बुढ़ा हो वे दोष न दे राय चले मत चले जब बुढ़ा हो वे मत चले जब बुढ़ा हो वे दोष न दे चले मत चले जब बुढ़ा हो वे मत चले जब बुढ़ा हो वे दोष न दे राय नो देओ राय नो मत चले मत चले जब बुढ़ा हो वे मत चले जब बुढ़ा हो वे गल्ला दोष
न देओ, दोष न देओ रायनु। मत चले जब बुढ़ा होवे, दोष न देओ रायनु। प्यारी सत्संग जी, जो असी श्लोक गायन कीता है, इस दा सिरलेख, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस बाणी इज कंपाइल्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब। सो असी कंपाइलेशन नूं पहला सीखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब विच किस तरह कित्थे दर्ज की गई है और किदे वलों उच्चारण की गई है। ये गल असी हर वारी करते हैं, टूक मात्र बाणी की बणतर की गल करते हैं ताकि सानू समझ आवे कि बाणी की बणतर किस ढंग नाल की गई है। ज्यों ज्यों सानू बाणी की बणतर कंपाइलेशन समझ आती है, त्यों त्यों सानू बाणी दे डीपली अर्थ समझ आने शुरू होते हैं। सो दिस इज़ फस्ट स्टैप वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाणी किस तरह कंपाइल की गई है। वो सानू माण चढ़दा है कि बाणी जिस ढंग नाल कंपाइल की गई है उस ढंग दे कारण साढ़े कोल प्योर फॉर्म विच पहुँची है। बाणी विचकार मिक्स नहीं किया जा सकता, ये वाली कंपाइलेशन की वड्याई है। ये बाणी का संकलन का विलक्षण कीमती सुजाण ढंग गुरु पातशाह ने वरत्या। गुरु ग्रंथ साहिब के 1412 अंक ते ये श्लोक सुशोभित हैं। इन्हों का सिरलेख है श्लोक 12 ते वधीक। जरा जा असी ध्यान दे के पढ़िए 12 ते वधीक। वधीक मतलब वधे हुए। श्लोक केड़े वाले श्लोक? जिहड़े 12 तो इलावा वधे हुए सन। 12 विच ये श्लोक दर्ज नहीं हैं। हुण तुसी सारे रोज़ आसा की वार सुनते हो, तो आसा की वार का सिलेख है वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे। असी उसका उच्चारण महला नहीं करांगे, महला करांगे। ये अवस्था है गुरते महल प्राप्ते। सो महल प्राप्ते असी उच्चारण नहीं करते हैं। इस तरह सानू बाणी चों ये समझ आएगा कि इसका उच्चारण श्लोक महला पहला नहीं है, श्लोक महला पहला। ना तो हाहे उत्ते अद्धक लगी हुई है, पर ज्यों ज्यों असी बाणी नूं समझांगे, खोजांगे, पढ़ांगे तो पता लगेगा उस अवस्था। वो अवस्था किसी दी भी हो सकती है। सो महला श्लोक 12 ते वधीक दा सिरलेख समझण वास्ते असी सांझ कर रहे सी कि वार श्लोकां नाल श्लोक भी मैले पहले के लिखे। पहला तो असी ये गल नूं ध्यान च कर लिए, उसका नाँ प्रचलित हो गया आसा की वार, साड़ी भी जबान ते चढ़ गया है क्योंकि संगतां समझदियां ही लफ़ज़े वाले हन, ते सानूं ही कहना पै रहा मजबूरन आसा की वार रोज़ सवेरे तुसीं सुणदे हो। पर दरअसल वार राग आसा दी वार नहीं है, वार गुरु नानक पातशाह दी है। सो असी उस नूं जे बाणी खोज के अपने आप नूं शुद्ध करन वास्ते असी मेहनत करिए तां असी सुधर सकते हाँ। सुधरना साडा फर्ज़ है। मैनू याद है अज तो 40-50 साल पहला जदों असी गुरुद्वारियां विच आनंद साहिब पढ़ते सी तां असी सारे ही पढ़ते सी ए मन्ना मेरिया तू सदा रो हर नाले, पर आस्ता आस्ता संगत च अवेयरनैस आई, रागी सिंह ने भी पढ़ना शुरू किया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले, ये मन्ना मेरिया नहीं है। इस तरह असी अपने आप नूं ठीक कर सकते हाँ। सो राग दी वार नहीं है, वार दरअसल गुरु नानक पातशाह दी है। उस वार विच आसा राग दे जिहड़ियां सुरां ने उहनां नूं एक्सप्लोर नहीं कीता होया। उस वार विच गुरु नानक पातशाह ने कीमती सुने दित्ते होए ने, वार पौड़ियां हुंदियां और उहनां पौड़ियां दे सार उहदा आखरी जिहड़ा पंक्ति हुंदी उहदे विच उसदा सेंट्रल आइडिया हुंदा है, और पौड़ी नूं समझण वास्ते नाल श्लोक दर्ज कीते गए। श्लोक भी मैले
पहले के लिखे। सो वो वार गुरु नानक साहब दी है, आसा राग दे हेठा है, और उस वार विच श्लोक गुरु नानक पातशाह ने अपनी प्रेजेंस विच दर्ज किते। जे असी होर गहराई नाल डीपली विचारीए तो इंज भी महसूस होंदा है कि गुरु नानक पातशाह ने अपनी टैक्नीक गुरु अंगद पातशाह नूं दित्ती, तो गुरु अंगद पातशाह ने भी गुरु नानक पातशाह के पैटर्न ते ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਲੇਖ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਲੇਖ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲੋਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਰ ਮਹਿਲੇ ਤੀਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਜਾਣ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਕੋਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੂਡ ਬਾਰੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ 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 ਖੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 32 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਕੈਪ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਫੈਬਰਵਰੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 32 ਔਰ 33 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1412 ਅੰਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਿਡਲੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਔਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ 'ਤੇ ਹੈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਾਰੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰ ਮੋਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਰਨਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਰਿਚੁਅਲਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਲੀਜਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਸਤਿਕ ਮਾਨੋ
और जो ये वाले कर्म कांड पाखंड नहीं करता है उसको नास्तिक मानो। हुन ये जिहड़ी साड़ी मन की अवस्था बन गई, असी किसी का ना नास्तिक रख दिता, ये तो सुबह उठता ही नहीं है, ये तो पाठ करता ही नहीं है, ये तो गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाता ही नहीं है, ये तो जल चढ़ाता ही नहीं है, ये तो नहाता ही नहीं है, ये तो माला नहीं फेरता, ये तो चौकड़ा नहीं मारता, ये तो भगवान का नाम नहीं लेता। इस तरीके नाल असी बड़े सारे नॉर्म्स बनाए हुए ने, असी उन्हां दे बेसिस ते आप अपने आप नूं सोच रहे होंदे आ, मैं ते अपना धर्म कर्म पूरा कर लिया, मैनू घर वाले ने कहा सी गुरुद्वारे जाना चाहिए, मैं आ गया, मैं आके बैठा होया, मनु ऐ थोड़ना समझना कि समझा की रहे ने, जो समझा रहे ने ओनू जे मैं सीरियसली सिंसियरली सुन लवा तो मैनू बदलना पै जाएगा। इस करके मैं फॉर द हैक ऑफ आओ, फॉर द हैक ऑफ गुरुद्वारे जाओ, फॉर द हैक ऑफ मत्था टेको, मैं तो उदे वास्ते आया। परपज ही नहीं पता कि मैं क्यों आया, बस आके चले जाना, नंगे पैर आके चले जाना, 40 दिन चले जाना, मत्था टेक के पैसे रख के परिक्रमा करके चले जाना। असी इन्हां सारियां गल्लां नूं अपने आप नूं समझदे मैं ते धर्मी हो गया। बड़ी पुरानी गल है कि इंसान अपने आप नूं धार्मिक स्थान ते जाण वास्ते धर्मी समझदा सी, ओही गल अज तक हजारां सालां तो चल रही है। पर तू धर्मी इंज नहीं हो जाता जब तक तेरे को अपने अवगुणा नू फोकस करके देखने की जाच नहीं आती, और फिर अपने अवगुणा नू देख के उन्होंने फिक्सअप करन दी जे तेरे को विजडम नहीं आती, विवेक बुद्धि नहीं आती, तां तू धर्मी नहीं है। सो गुरु नानक साहब आस्तिक मास्तिक वाली गल नहीं करते ने, बल्कि आस्तिक नास्तिक असी एक सैमीनार किया सी, तैनार क्या पुराण सुन कीना, तैनार क्या पुराण सुन कीना, अनपावनी भगत नहीं उपजी, अनपावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान न दीना, भूखे दान न दीना, तैनार क्या पुराण सुन कीना, तैनार क्या पुराण सुन कीना। तू धार्मिक पुस्तकें धार्मिक ग्रंथ क्या सुनता है, तैनार किसी मजहब वाले बंदे नू नहीं किया, जेड़े किसी भी मजहब वाले ने सारियां नू नर किया है, और मेरे मन नू किया है भई तू धार्मिक ग्रंथ की सुनता है, तै नर क्या पुराण सुन की ना, अन्न पावनी भगत नहीं उपजी। अन्न पावनी की होंदा, अन्न पावनी होंदा स्टेबिलिटी, तेरा मन स्टेबल ते है नहीं, कबू जीड़ा उब चढ़त है कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर ना रहता है चारे कुंडा पाले। असी बड़े दुखी दुखी गुरुद्वारे आते हैं, फिर आके कहते हैं मेरे घर बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, पुत्र का रिश्ता नहीं होता, नौकरी नहीं लभदी, मकान का लोन नहीं मिलता, अपने रोने रो के चले जाते हैं। एक अपने स्वाए आए बह गुरागे जो बगल समाध लगाइए, अपने स्वार्थ हस्ते आके गुरु अगे गल करके चले गए, मन स्टेबल कोई नहीं है। पर जे उन्हां चो कोई मंग पूरी हो जाए, अज मैं प्रसाद कराण आया, अज असी मत्था टकाण आया, अज असी शुकराने दी अरदास कराने आया, बस इस तरह ही असी डक्के डोले खांदे रहिंदे आ, स्टेबल नहीं आ। तैनर क्या पुराण सुन की ना, अन्न पावनी भगत नहीं उपजी, तैनू स्टेबिलिटी ते आई नहीं। स्टेबिलिटी इज स्पिरिचुअलिटी, थिरता मन रे थिर रहो, मत कत जाई जियो, थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। जिन्हां दे थिर कर बैसो हो जांदा ना,
उस शब्द च कहते हैं बादशाह शाह सब वस करदी ने। बादशाह की होंदा है? बादशाह होंदा है मेरा मन जिहड़ा शाह बनिया होया झगड़िया वालिया आदतों वाले ख्याल कंट्रोल करके रखता है, पर हुन ये मेरा मन बादशाह शाह सब वस कर दीने वाली अकल मैनू आ गई है। बादशाह और पातशाह च फर्क हुंदा है। सो बादशाह मतलब झगड़िया वाली अकल वाला मन रूपी शाह हुन वस आ गया। तैनर क्या पुराण सुन की ना अन्न पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दाना दी ना भूखे की बाहर कोई बंदे खड़े हैं उनको रोटी दे दी उन्हों भूखा नहीं कहते ने, भूखा है मेरा मन। जितना मेरा मन भूखा रहिंदा है उतना ये बेचैन रहिंदा है, उन्हों कहते ने डिसकंटेंटमेंट दी अवस्था, असंतोखी रहिंदा है। भूखे मन नू तू विजडम दा दान ते दिता ही नहीं, इसका मतलब एज पर गुरु नानक साहब गुरु नानक थ्योरी जो इंसान अपने मन को संतोख का भोजन देता है संतोख की मत देता है उस भोजन नु संतोख दी मत नु जे को खावे जे को पुंचे तिसका होई उधार उसका उधार हो जाता है। जिहड़ा संतोख दा भोजन खांदा है संतोख दी मत जिहड़ा लैंदा है। सो असी अपने बारे सोचिए, मैं एक कंट्री का नाँ नहीं लवांगा, उत्थे वो मैं कहते होंगे सन असी हर साल इंडिया जाते हैं फलाने फलाने तीरथ ते असी संगतां भी लैके जाते हैं और उन्होंने नौजवान पुत्र की डैथ हो गई, उन्होंने गुरुद्वारे जाना छोड़ दिता, सिर्फ अपने लोकल कंट्री के गुरुद्वारे जाना ही नहीं छोड़िया, उन्होंने इंडिया जाके भी जिहड़ी संगतां नूं नाल जांदे सी सानू की मिले गुरु घर चों सानू ते कुछ भी बख्शिश नहीं होई बल्कि साडा पुत्र रब ने खो लिया। इस तरह लोग ना रब नू कंप्लेंट भी करते ने, रब नू टॉन्ट भी करते ने, रब बारे शिकायत भी करते ने। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माए वाला उन्हां कोल ग्रैटीट्यूड नहीं होंदा, जिदे कोल ग्रैटीट्यूड नहीं होंदा वह थैंकलैस होंदा और थैंकलैस बंदा स्टेबल नहीं होंदा। उसके काम कर दो तो खुश, ना करो तो दुखी। सो दोष ना देओ राय नो, पहला असी समझांगे रब नू दोष नहीं देना चाहिदा, पर असी कदों देंदे आ जदों असी अनस्टेबल हाँ, जदों असी अनस्टेबल हाँ असी रब नाल इकमिक नहीं हाँ, असी रब नाल इकमिक नहीं हाँ, रब रब है असी असी हाँ। पर बाणी की सिखा रही है तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा परका मिट गया जात देखा तत तू, मैं मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। सत्संग जी मेरी मैं जड़ी हो मैं ईगो है उसकी एग्जिस्टेंस किवें खत्म होती है, दो इस तरह सीन बनाते हैं, एक मैं हाँ एक सतगुर है। सतगुर मीन्स रब जी मीन्स विजडम। सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना, जो सतगुर की मत लै लैंदा और उहदे प्रैक्टिकल टुरन लग पैंदा वो अपनी मन की मर्जी छड्ड देंदा है। मन सानू दुखी करदा है, जदों मन सानू दुखी करदा है उस अवस्था च मन नू गुरु पातशाह कहिंदे ने एती मार पई कुरलाने, एती मार पई कुरलाने, तैं की दर्द ना आया, तैं की दर्द ना आया, एती मार पई, एती मार पई, तैं की दर्द ना आया, तैं की दर्द ना आया, ना आया, तैं की दर्द ना आया।
मन नूं पुछ रहे ने। रब जी नूं नहीं कह रहे ने कि मन नूं मार पै रही है तुहानूं दर्द नहीं आ रहा, ऐसी गल नहीं है। बाणी राही समझा रहे ने, अपने मन नूं कह रहे ने, साडा मन सानूं पटकांदा है, साडा मन सानूं भरम च पांदा है, साडे मन दे कारण असीं डक्के डोले खांदे हां, साडे मन दे कारण ही असीं दूजियां जूनां विच पटकदे रहिंदे हां, देखण विच इंसान लगदे हां। सो जदों साडा मन सानू पटकांदा है, उस मन दी अवस्था नू पुछया है कि मैनू इतनी मार पै रही है, मार किदी पैंदी है? लोकां दी मार ते सारयां नू रोज़ नहीं पैंदी, मार दरअसल सानू हर पल हर इंसान नू पैंदी है, जमा दी। जम मतलब डीमन थॉट्स दी, डीमन थॉट्स मतलब बिगाइलिंग डिसीटफुल थॉट्स, बिगाइलिंग डिसीटफुल थॉट्स नू कह सकदे हां पॉइजनस इंजूरियस थॉट्स। दो बंदे आपस में मित्र ने मैनू चंगे नहीं लगते, नू सस आपस में सुखी ने मैनू चंगियां नहीं लगदियां, किसी का प्यार देख के मैनू अच्छा नहीं लगता, कोई इंसान राइज कर रहा है मैनू नफरत आती है, मैं किसी की तरक्की किसी की वाहवा सुन के खुश नहीं होंदा, मेरा दिल करता मैं उसकी निंदा करके उन्हें डिफेम करा। यह सारा कुछ की होंदा इंजूरियस डीमन थॉट्स वालियाँ विचारा, यह सानू बॉदर कर दी है, इना दे नाल सानू क्रोध चढ़दा है, इना दे नाल असी नफरत दे पात्र बन जाते हैं, असी नफरत वाला करैक्टर बन जाते हैं, असी लोगों नू हेटरेड करते हैं, असी लोगों नू लेट डाउन वाली नज़र नाल देखते हाँ, असी हंकारी बिरती वाली परसनैलिटी बन जाते हैं। सो असी अपने मन नूं पुछांगे कि मेरे मन तू मैनू दुखी क्यों करता है, पर अल्टीमेटली मन ने जिहड़ा थॉट प्रोसैस पकड़िया होया ना, उस थॉट प्रोसैस दे कारण मन विगड़ गया है। थॉट प्रोसैस पढ़िया होया, जिस थॉट प्रोसैस नूं मन पकड़ता है, आई शुड से नैगेटिव थॉट प्रोसैस नूं, डीमन थॉट्स इंजूरियस, बार बार मैं वह लफज नहीं वरतांगा, जिहड़े नैगेटिव थॉट्स नू ईवल थॉट्स नू मन पकड़ता है या वाइसिज नू पकड़ता है, मंदे ख्यालां नू जदों मन पकड़ता है, मनुखी मन की फितरत है, वो जिहड़ियां उन्हां नू मन की मत कहिंदे ने, उन्हां नू आन अवरा विडाण परत्रिय वाली मत कहिंदे ने, पराई मत कहिंदे ने, उन्हूं स्टैप मदर वाली अकल कहिंदे ने। अपनी माँ चंगी मत दिंदी है, पर मतरेई माँ असंतोखी मत दिंदी है, सो उन्हूं स्टैप मदर वाली अकल कहिंदे ने। सो उन्हूं गुरु पातशाह अज दे श्लोक राही समझांदे ने, मन की मत अज्ञानी मन नूं तू दोष ना दे, तू ऐ सोच इन्ने केड़ी मत लई है। सतसंग जी जदों साडा एटीट्यूड बन जाएगा ना, असी किसी इंसान नूं गालां कढ़दिआं देखांगे, किसी इंसान नूं उच्चा बोलदिआं देखांगे, किसी इंसान नूं देखांगे ये अपनी पत्नी को डोरमैट बनाता है, किसी स्त्री नूं देखांगे अपने पति नूं और सस नूं जोरू का गुलाम बनांदी है, कई बच्चियां नूं देखांगे वो मम्मी पापा दे नाल मिसबिहेव करदे ने, कई मम्मी पापा अपने बच्चों नू डोमीनेट करते हैं, कई ससा अपनिया नूहों नू डोमीनेट कर दी हैं, इस तरह कुछ भी असी देखते हाँ तो असी उस बंदे नाल नफरत करन लग पैंदे हाँ। कोई बंदा शराब पींदा है असी उहदे नाल नफरत करन लग पैंदे हाँ, पर दरअसल उस मनुख का कसूर नहीं है, वो जिस थॉट प्रोसैस जिस पैराडिम दे अकॉर्डिंग जी रहा है, जिस सोचनी जिस अकल दे अधीन जी रहा है, उनू दोष देना चाहिए, रब जी नू दोष नहीं देना चाहिए। जिहड़े लोकी रब नू दोष देंदे ने, मेरे ते पता नहीं पिछले जन्म दे कर्म सड़ गए, मेरा तुहाडे नाल रब ने विआह करा दिता, पति या पत्नी आपस ही एक दूजे नू कहिंदे ने, पिछले जन्म के कर्म होंदे नहीं। सानू गुरबाणी राही सिखाया वी राइट अवर ओन डेस्टिनी, हम अपनी डेस्टिनी आप लिखते हैं, नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, असी अपनी तकदीर
आप लिखते हैं। इस उत्ते एक सैमीनार पहला कर चुके हैं, मेरे साहिबा हूँ आपों परम पुलाणी, अखर लिखे सही गावा अवर न जाना बाणी, ये मोस्टली अर्थ समझ जाते हैं जो मेरे मत्थे ते पिछले जन्म के भाग लिख दिते गए ने। अकॉर्डिंग टू दैट मैं तो पपेट की तरह, हम तो से भगवान की कठपुतलियाँ हैं, जैसा नचार है वैसे नाच रहे हैं, अस ये बिलीव करते रह गए। अपने उत्ते कोई रिस्पोंसिबिलिटी नहीं ली कि मैं अपनी जैसी मत दे अधीन जी रहा हाँ, उस मत दे अकॉर्डिंग वैसे कर्म करी जा रहा। मेरे साहिबा हो आपो परम पुलाणी, रब ने नहीं बुलाया। जदों कदी मैं सुनता हाँ किसी प्रचारक नू बोलते हैं या ट्रांसलेशन देखता हाँ, तो उत्थे कहंदे ने शिव शक्त आप पाए के करता आपे हुकम बरताए, हुकम बरताए आप विखा गुरमु किसे बुझाए। तो वो आम तौर पर अर्थ किए जाते हैं रब ने माया खिलारी हुई है मनुख नू पटकाने वास्ते। जिहड़े लोग ये अर्थ कर रहे होंगे ने या जिहड़े सिंपल कॉमन लैंग्वेज जिहड़े मम्मी पापा सानू आके सवाल जवाब भी करते हैं, मैं उन्होंने पूछता तुसी अपने बच्चे नू जदों सर्दियों में या गर्मियों स्कूल भेजते हो नंगे पैर भेजते हो? कहते नहीं। मैं क्या गर्मियों तपश होएगी सड़क पर तो तुस जुत्ती या बूट पवा के भेज दो? कहते हाँ। मैं क्या तुसी सर्दियों में उन्होंने ठंड ना लग जाए उन्होंने जुराबा और बूट पवा के भेज दो? कहते हाँ। मैं क्या तुसी चाहते हो कि रस्ते तुहाडे बच्चे दे रहा कोई बूट खो लवे और उन्होंने कंडे चुभन? कहते नहीं नहीं। मैं क्या जे तुसी अपने बच्चे वास्ते नहीं चाहते, हाउ कम यू थिंक दिस वे कि गॉड ने मनुख नू पटकाण वास्ते माया बनाई हुई है? भी पहले तुम पटको, फिर तुम पाप करो, फिर पाप करने के बाद कोई मिडल मैन, कोई बाबा जी, कोई संत जी के पास जाओ, वो तुमको कोई कर्म कांड बताएंगे, वो तुम करना, फिर मैं तुमको माफ़ करूंगा तो तुमको नरकों से स्वर्गों में ले जाऊंगा। ये तो मनुख दी बनाई हुई कन्वेंशनल थ्योरी है, रब ऐसा नहीं है। रब नहीं पटकंदा, शिव शक्त आप उपाय के, मेरे मन ने ये मंदे ख्याल बनाए ने, करता आपे हुक्म बरता है, मेरा मन करता मेरा मन है, हुक्म बरताए आप वेख है, गुरमुख किसे बुझाए, जो गुरु दी मत लै लैंदा है उसनू यह समझ आ जाता है कि दिस ऑल इज हैपनिंग ड्यू टू माई मिसटेक्स, आई टेक रिस्पोंसिबिलिटी। जदों असी ये गल्लां करन लगदे आ ना तो असी पिछले जन्म के सौ कार्ड मत्थे लिखे भागां वाली गल तो छुट जाते हैं। अखर लिखे सही गावा अवर ना जाना बाणी का मतलब यह नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़े अखर लिखे ने मैं उही पढ़ने ने तो होर कोई मैं बाणी नहीं जानता, ये दे अर्थ नहीं ने। हूँ आपो परम पुलाणी, मैं अपनी मत अनुसार कुछ थॉट प्रोसैस बनाया होया, उहदे ते टुरदा रहिंदा टुरदी रहिंदी हाँ। जैसा असी थॉट प्रोसैस बनाते हाँ बचपन तो वैसा साडा करैक्टर बनता जाता है। सो मन जेड़े यूसलैस ख्यालां दे नाल जुड़ गया, उस पैराडिम नाल जुड़ गया, उस कारण वो नैगेटिव होके हंकारी हो गया है। सतसंग जी इत्थे हंकारी दा प्रतीक है बुढ़ा, शरीरक तौर ते चिट्टे वालां नू झुरड़ियां पै जानू कमर लटक जानू और कंबण नू बुढ़ा नहीं कहंदे ने। असी जदों अपने लड़ीवार फरीद जी दे श्लोक पढ़ रहे हैं तो असी उन्हां विच फरीद जी दे श्लोक या मैले नौवें दे पंद्रह दिनों में असी श्लोक समझे सी, उहदी बार तुहानू सी डी मिलेगी, बुक मिलेगी, रबी मिलन दी बाणी मैला नौवां दी, उहदे विच असी समझे सी, सिर कंपियो पग डग मगै नैन ज्योत ते हीन बुढ़े नू नहीं कहंदे ने। दुनिया का कोई भी इंसान चाहे वो 16 साल का जवान हो, अगर वो कन्फ्यूज्ड है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, वो कन्फ्यूज्ड है, मम्मी पापा नू शो करता मैं शरीफ भी हाँ, घर वाले नू शो करता मैं शरीफ भी हाँ, ऑफिस मुंडिया नाल शराब भी पी लैंदा है, जुआ भी खेड लैंदा है और गलत कम्मां च इनवॉल्व भी हो जाता है, रिश्वत भी लै लैंदा है, कन्फ्यूज्ड है। असी गुरुद्वारे मत्था भी टेक लिया और सारे मंदे काम भी कर ले, कन्फ्यूज्ड हाँ, सिर कंपियो एन जन सिर हो रहा है और पैर लड़खड़ा रहे ने, उन्हें बुढ़ा नहीं कहते ने। कोई भी दुनिया का इंसान चाहे वो नौजवान है, अगर उसका सिर कंपियो है, अगर वो सच के मार्ग पे चलने से कन्फ्यूज है, सिर कंपियो पग डग मग है, वो
सच दे मार्ग ते फर्मली कदम रखदा नहीं है। असी आप ही कहते हैं, सानू लोग पुछते हैं वीर जी जो गुरुद्वारे जाते हैं या शमशान घाट जाते हैं उत्थे तो असी शरीफ शरीफ हो जाते हैं, बाहर आके सानू पता नहीं की हो जाता है। इहदा मतलब मैं सच दे मार्ग ते फर्मली पैर रखदा ही नहीं हाँ, मैं उन्हूं रैलिश ही नहीं करता कि स्पिरिचुअलिटी होंदी की है, धार्मिकता का स्वाद की होंदा है। लोग एकदम कहते हैं ना अगले दे नाल असी मिठा बोलीए, एक बारी बोलीए, दो बारी बोलीए, तीन बोलीए, ऐं ते अगला फिर सिर ते चढ़ जाएगा। मोस्ट ऑफ ते पत्नियां ही कहंदियां ने वीर जी तुसीं कहंदे हो मिठा बोलना चाहिए, मिठा बोलना चाहिए, जे मैं मिठा बोलती रहांगी तो अज तो मेरा पति है मेरी सास सिर ते ही चढ़ जाएंगे, वो टेक इट ग्रांटिड लैन आएंगे। फिर मैं उन्होंने बेनती करता सोल्यूशन तुहाडे कोल है ना, की है? मैं भी आगे से बोल देती हूँ, फिर वो सिर पे ना चढ़ जाए इसलिए मैं भी टिट फॉर टैट कर देती हूँ। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को कहा, मैं उनके मम्मी पापा को बुरा बोलना शुरू कर देती हूँ। यही वापरदा है ना, इहदा मतलब असी फर्मली सच उत्ते पैर रखिया ही नहीं, सच दे सच ने नक्शे कदम ते टुरे ही नहीं। सिर कंप्यो पग डग मगे, पग डग मगे दा मतलब है जब दिल की अधार्मिक हो गए, जब दिल की अशैतान हो गए। सिर कंप्यो पग डग मगे, नैन जोत ते हीन, नैन जोत ते हीन ऑप्थमोलॉजिस्ट दी लैंग्वेज विच, अखां वाले डॉक्टर दी बोली विच इन्हां अखां दी गल नहीं चल रही। जिस बंदे कोल मन दिया अखां नहीं ने, विजन नहीं है कि मेरा गोल की है जिंदगी दा, मैं टुरना की है, करना की है, वो एमलैस जीवन जीता है, यूसलैस जीवन, अनफ्रूटफुल एक्सरसाइज, सुपरफ्लूअस एक्सरसाइज जीता रहता है। जो इस तरीके दे नाल अपने सिमटम्स के नाल जीता है उनू गुरबाणी में बुढ़ा कहते हैं। सो असी सारे अपने ते टुकावांगे, भावें असी 10 12 16 साल के नौजवान होइए, भावें असी 90 साल के होइए, जदों मैनू यह अहंकार आ जाए कि मैनू जिंदगी का बड़ा तजर्बा है, मैं भी बड़े लोग वेखे हुए ने, मैं धुप्प च वाल चिट्टे नहीं किए ने, मैनू भी बड़ी अकल है, मैनू ना समझाओ, मैनू सारी समझ है। ओवर कॉन्फिडेंस, मन जाने सब बात, जानत ही औगुण करे, ता असी फिर औगुण करते हाँ। औगुण की करते हाँ, झूठ बोलते हाँ, निंदा करते हाँ, बैक बाइटिंग करते हाँ, लैग पुलिंग करते हाँ, थैंक्स बिल्कुल नहीं करते हाँ, बिल्कुल असी ग्रैटीट्यूड तो आउट हो जाते हैं। सो असी उस वेले बुढ़े होंदे हाँ, सानू हंकार हो जाता कि मैं किसी दी क्यों सुना। सतसंग जी बड़े अफसोस की गल है कि असी गुरु नानक साहब की बाणी पढ़ते हाँ गुरु ग्रंथ साहब चों, गुरु नानक साहब ने सिद्धा नाल गोष्ठ की सी। गुरु नानक साहब कितने हज़ार मील पैदल टुर टुर के लोगों नाल सच दी विचार करन जांदे सन। सिख जगत इच विचार ते रही कोई नहीं, क्यों? क्योंकि सिख मस्त है नगर कीर्तन इच, सिख मस्त है प्रभात फेरियां विच, सिख मस्त है डूणियां विच, बूंदी लड्डू और छुआरे खाण विच, सिख मस्त है शनिचरवार दे छोले खाण विच। सिख तां इन्हां गल्लां च मस्त है, सिख विचार थोड़ा ना कर रहा अज, सिख जगत च लगातार कीर्तन हो रहा है, कीर्तन दरबार हो रहे ने, सिख जगत ही लगातार 101 अखंड पाठ हो रहे ने, सिख जगत च यात्रावां हो रही ने, पर विचार खत्म हो चुकी हुई है। सतगुरु नो सब को देखदा जेता जगत संसार, डिठे मुकुत ना होवी जिचर शब्द ना करे विचार। शब्द विचार बिल्कुल अलोप है। शब्द विचार दे नाल होंदा की है? शब्द विचार दे नाल बाइनाकूलर और माइक्रोस्कोपिकली मेरे अवगुणा वाल झाती पैंदी है, एंड वी डोंट लाइक दैट। इसी हंकार नू कहंदे ने मत नहीं है, सच ते टुरदा ही नहीं है, मत चले। अगली पंक्ति च कहंदे ने दोष ना दियो राय नू, मत चले जां बुढ़ा होवे, सच ते चलदा ही नहीं है, मत मन की मत बन गई है, अब बुढ़ा होवे सिर कंपियो वाली अवस्था बन गई है, पग डगमगे दी अवस्था बन गई है। साढ़े पग डगमगाए हुए ने जे असी दाज लेंदे हाँ,
ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਡਗਮਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਡਗਮਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਔਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਮਤ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੀ ਸੋਵਰਿਆ ਜੀਵਣਾ, ਜੀ ਸੋਵਰਿਆ ਜੀਵਣਾ, ਪੀਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ, ਪੀਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੀ ਸੋਵਰਿਆ ਜੀਵਣਾ, ਜੀ ਸੋਵਰਿਆ 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 ਜੀਵਣਾ। ਤੂੰ ਸੌ ਵਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ। ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, ਪੱਗ ਡਗਮਗ ਹੈ। ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕੇ ਮਾਰਗ ਪਰ ਫਰਮਲੀ ਚਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਐਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋ ਛੱਡ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਰੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 52 ਵੀਕਸ ਵਿੱਚ 38 ਪੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 38 ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਰੀਕੈਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੋਲਿਊਮ 1, 2, 3 ਜਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਬੇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਕਾ ਫਕੀਰ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਟੋਪੋ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੋਲਿਊਮ 1, 2, 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੱਛੇ 10, 10, 15, 15, 20, 20 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸਮਝ ਆਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਰਨੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਪੀਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ
मना नहीं किया गया, बुढ़ापे की निंदा नहीं की गई, मेरी आत्मक अवस्था का जो बुढ़ापा मैं आ जाता उसी निंदा की गई है, उन्होंने फिक्सअप करने। इस करके पिछला श्लोक जिहड़ा असी ऑस्ट्रेलिया पढ़िया सी, रज ना कोई जीवेया पहुँच ना चलेया कोई, रज ना कोई जीवेया पहुँच ना चलेया, ज्ञानी जीवे सदा सदा, ज्ञानी सदा सदा, सुरती ही पत होए, सुरती ही पत हो, सरफे सरफे सदा सदा, सरफे सरफे सदा सदा, इवें गई विहाए, नानक किसनो आखिए, नानक किसनो आखिए, बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए, रज ना कोई जीवेया पहुँच ना चलेया कोई, रज ना कोई जीवेया पहुँच ना चलेया, रज के कदे कोई नहीं जीविया, किसी दे भी अपनी जिंदगी दे गोल पूरे नहीं होए, हर किसी नूं तुसी रोंदिया ही देखोगे, मेरा यह काम रहिंदा सी, यह रहिंदा सी, बच्चे का रिश्ता नहीं होया, एस्टैबलिश करना सी, घर पोतरा हो जाता, मकान बन जाता, पोतरिया वास्ते बना जाता, ये कर जाता, वो कर जाता, सारे मनुख रज ना कोई जीविया। पर असी की टॉपिक समझ रहे हैं कि तू आत्मक तौर पर बुढ़ा है, हंकारी है, और तू इस तरह लखां साल पिया जी, जे 100 वर्या जीवना भी एक प्रतीक है, जिन्ना मर्जी लंबी उम्र जी, मल्टीविटामिन्स खा, जिन्ना मर्जी अनुलोम विलोम कर, जो मर्जी तू कर, तू मौत तो जिन्ना मर्जी डर, और अपनी लंबी उम्र के जितने मर्जी मंसूबे बना लै, तैनू पता नहीं है कि पल पल तू आत्मक मौत मरदा है, पल पल तू जमदा मरदा रहिंदा है। ये जिहड़ा पल पल असी आत्मक मौत मरते रहिंदे आ ना, इहनू गुरबाणी च आवागमन कहिंदे ने, साडी पुस्तक है जीवन मुक्त, असी उहदे समझिया कि गुरमति च पल पल दा आवागमन रीइनकारनेशन पुनर्जन्म की हुंदा है। सो ये जिहड़ा पल पल तेरी पटकना है, आत्मक मौत है, इहदे बारे सोच, रज ना कोई जीवे पहुँच ना चलिया कोई, ज्ञानी जीवे सदा सदा, सुरती ही पत होए, जे जमा तो तू अपनी पत नू बचाना चाहता ना तो अपनी सुरत नू संभाल के रख, सरफै सरफै सदा सदा, इवें गई विहाए, सरफै सरफै हुंदा कंजूसी करना। असी कंजूसी किस गल दी करदे आ, पैसों की कंजूसी की गल नहीं चल रही, सरफा करदे आ कि मैंने दूसरे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करना, मैं गुड डीड्स की प्रैक्टिस नहीं करनी, मैनू टिट फॉर टैट च मज़ा आता है, मैनू रिवेंज लैने मज़ा आता है, मैनू बदला लैने मज़ा आता है, किसी ने मेरे नाल बुरा किया है, मैं उन्हें पंट के छोड़दा हाँ, मैं उसकी निंदा करता हाँ, मैं उसके नाल नफरत करता हाँ, मैं उसके नाल हर पक्षों बदला लैण का वतीरा करता हाँ। इनू कहिंदे ने आइडियल्स
चंगे गुणा दे खजाने वालों कंजूसी कर जाना। इवें कदों तक जिएगा तू? सरफ़े सरफ़े सदा सदा एवें गई विहाई जिंदगी अमी। नानक किसनों आखिए बिन पुछिया ही लै जाए, बिन पुछिया ही लै जाए। शरीरक डैथ की गल नहीं चल रही, तेरे मन की मत नू नहीं पुछया जांदा कि अगर तुम नेगेटिव्स के साथ जीते हो, अगर तुम मंदे ख्यालों के साथ जीते हो तो तुमको चैन कैसे दे दे? ऐ नहीं पुछया जांदा, चैन मिलता नहीं है। स्टेबिलिटी इज नॉट ग्रांटिड टू यू। तू भावें चौकड़ा मार लै, भावें अखां बंद कर लै, भावें राम राम अल्लाह अल्लाह कर लै, भावें माला फेर लै, भावें मेडिटेशन कर लै, भावें जो मर्जी कर लै, अंदरों यू आर बेचैन। और बेचैन इंसान ही निंदा करता है, बेचैन इंसान ही बदले लैण की भावना रखता है, बेचैन इंसान ही कहता मैं सब का भला किया, मेरा किसी ने भला नहीं किया, मैं ईमानदार बड़ा हाँ, मैनू लोगों ने धोखा दिता। बेचैन इंसान ही कहता मैं तो घर में सबको प्यार करती हूँ, करता हूँ, मेरे को कोई नहीं प्यार करता, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। इसका मतलब तुम बेचैन हो, तुम अपसैट हो। जिहड़ा स्टेबल है ना वो कंटेंटेड है। ही लर्नस, ही इज चैंपियन, ही हैज प्रैक्टिस हाउ टू लिव फॉर अदरस। वो दूजिया को प्यार मंगता ही नहीं, वो दूजे को प्रूव नहीं करता कि तुम बेईमान हो मैं शरीफ हूँ, वो दूजे को कहता ही नहीं कि मैं ईमानदार हाँ, वो लेबल ही नहीं लगाता कि मैं आस्तिक हाँ, वो लेबल ही नहीं लगाता कि मैं वड्डा मैं सियाणा। वो अपने अहंकार वालों अपने आप को मुक्त कर लैंदा है। स्टेबल है ना, स्टेबल नू दिखावा नहीं करना पैंदा। असी सड़कां ते जाके गुरु ग्रंथ साहब का दिखावा ही तो कर रहे हैं। ये ट्रक पे जो हम ले जा रहे हैं ये सिखों के गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, ये सिखों के गुरु हैं, पर हम इनकी मानते नहीं हैं। ये दिखाने जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। किने सानू क्या पूरे गुरु ग्रंथ साहब और रैत मर्यादा च, ईवन जिन किसी भी इतिहास नहीं लिखा होया कि सानू गुरमत अनुसार नगर कीर्तन कढ़ना चाहिए। पहला यदा ना जुलूस ही हूँ नगर कीर्तन रख लिया, पर ये पॉइंट मैं बार बार पता नहीं क्यों छिड़ जाता है, क्योंकि असं अपना समा जाया कर रहे हैं, इस करके पॉइंट बार बार स्लॉट ही आ जाता है। और मैं खिमत जा चुका, ये मेरा एंगर नहीं है, ये मेरी करुणा है कि सानू अपने वालों इस पक्षों छुटांगे ता ही तो कुछ पढ़ांगे, ता ही कुछ सिखांगे, ता ही कुछ समझांगे। तुसी किन्ने पाठ लैने जी? 5 लाख, लख 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 पाठ लै लो। लोग इस तरह गिणतियाँ गिणते रहते हैं, डायरिया नोट करते रहते हैं किन्ने लख पाठ हो गए, कितनिया माला फेर लिया, कितना सब कुछ हो गया। इन गल्लां च ही पए आ ना असी, रज ना कोई जीव्या। नानक किसनों आखिए बिन पुछिया ही लै जाए। पर जदों असी आत्मक तौर पर मरते हाँ तो असी मनुख न या रब नू ब्लेम करते रहते, दोष ना दे राय नू मत चले। जब बुढ़ा होवे असी अहंकारी हो जाते, गल्लां करे कनेरियां तां अन्ने पवना खाती टोवे, तां असी दिन रात खड्डे विच डिगदे रहते हाँ। आत्मक तौर पर अन्ने हो जाते हाँ, आत्मक तौर पर अन्ना ही डक्के डोले खाता है, आत्मक तौर पर अन्ना ही डूगर वाट अन्ने अंधले भार उठाया। डूगर वाट बहुत, डूगर वाट की होंगे ऊंच नीच का रस्ता, जिंदगी का रस्ता ऊंच नीच वाला रस्ता है। जिंदगी का रस्ता स्टेबल नहीं है, जिंदगी का टैरन जेड़ा वो प्लेन टैरन इस तरह नहीं है जिदे उत्ते कैटवॉक की जाती है। जिंदगी का रस्ता हर पल इस तरह उबड़ खाबड़ है। पर तेनू मन फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे ला, तेनू स्टेबिलिटी सीखनी है। साडे नौजवानों जो लव मैरिज का भुलेखा पै जाता ना, वो सोचते हैं बाकी सारे दुखी ने, मैं तो अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बड़ा वधिया लव लाऊंगा तो हम सुखी हो जाएंगे। वो 4 दिनों बाद ही लव मैरिज विंडो तो आउट हो जाती है। उस रेगुलर मम्मी पापा वांगू, रेगुलर हसबेंड वाइफ वांगू लड़ना शुरू कर देंगे हैं, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही बड़िया सारिया ने। इन प्रॉब्लम्स वेले स्टेबल रहना और उन्होंने किवें जीवन जीना है, किस तरह तारना है, यही तो जाच असी सीखनी है। इस करके पूछे कि तू ये नैगेटिव जीवनी कदों तक जींदा रहेगा?
ਕਦੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਫਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਸ ਰੋਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਟਰਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਭੂਗੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੈਨਰਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਹਮ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਤੇ ਰਹੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਕ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਲਸਤਰ ਚੜਿਆ। ਪਲਸਤਰ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ 2 ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਪਏ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ 2 ਵਾਰੀ ਫਿਸਲਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਮੀਨਸ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇਗੇ, ਲੋਕ ਛਿਲਕੇ ਫੈਂਕਦੇ ਰਹੇਗੇ, ਹਮ ਫਿਸਲਤੇ ਰਹੇਗੇ। ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਬੀ ਸਟੇਬਲ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖ, ਪਰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਸ ਕੁਚੱਜੀ ਮਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਮਤ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ, ਪੱਗ ਡਗਮਗਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਨਾ ਚੱਲੈ ਅੱਗੇ ਟੋਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪ ਮਾਨੁਸ਼ ਕੇ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਆਦ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਤੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਜੂਰੀ ਗਾਰਡਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਯੂਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਚਾਲਕ, ਮਾਸਟਰ, ਸਾਈਂ, ਖਸਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਤੱਕੇ ਦੇ, ਜੈ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ। ਡੋਂਟ ਬਲੇਮ ਔਨ ਅਦਰਸ, no need to throw the blames on others. ਲੋਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨੀਲੀ ਛੱਤਰੀ ਵਾਲੇ, ਨੀਚੇ ਕਬ ਆਏਗਾ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਬ ਆਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੋ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
सारा कुछ करन करावन मेरा मन है। मानक के किचनाई हाथ, मानक के किचनाई हाथ का मतलब होंगे इस शरीर दे वास कुछ नहीं है, जैसे मेरा मन चाहता है वैसे मेरे को कराता है। मम्मी पूछती है बेटा घीए की सब्जी बनाइए खाओगे, बच्चा कहता है मम्मी मेरा मन नहीं है, उदा शरीर किया नहीं खांदा। क्यों? कि उसके शरीर का मालक मन मानता ही नहीं है। इस तरह ही सच दे मार्ग ते टुरन मिले साडा मन मनदा नहीं है, तो साडा शरीर भी उस पास नहीं जाता है। फर्ज करो सानू किया गया भी अमृत वेले उठना चाहिए, मैंने सुन लिया बड़ी अच्छी बात है, पर जदों मैं सवेरे उठना चाहता सी कौन मैं मानक, मानुख मतलब मेरा शरीर, शरीर उठना चाहता है क्योंकि शरीर ने कानों से सुना है, पर मन कहता है नहीं अभी और सोना चाहिए। मन करन करावन है, मेरा शरीर उठता ही नहीं। एक और होमे दीर्घ रोग है दारू भी इसमें। वाह, असी एक सेमिनार किया सी होमे ते, ते सब तो वड्डा रोग है होमे, होमे दीर्घ रोग है, बिगेस्ट रोग इस दुनिया विच इंसान का सबसे बड़ा रोग है ईगो, अहंकार, होमे। मैं बड़ा शरीफ हाँ, मैनू बड़ी अक्कल है, मैं बड़ा सियाणा, मैं बड़ा समझदार हाँ, ए होमे। अच्छा जदों ये भुलेखा पै जाए ना कि मैं बड़ा समझदार हाँ, इस करके मैं ये गल बार बार रिपीट करदा कि असी जिहड़े सैमीनार्स तैयार करते हैं असी उन्हां दी दो दो तीन तीन साल लगा के स्लाइड्स तैयार करते हैं, फिर उत्थे पावर पॉइंट ते दिखाते हैं, पर सैमीनार दी जिहड़ी जिस्ट हुंदी है असी स्पॉन्टेनियस डिस्कस करते हैं। सो होमे दा सैमीनार कीता ते मैं जदों अमेरिका अपने घर वापस गया ते मेरे घर वाले कहंदे तुहाडी एक एक टेप चार चार छे छे सालां बाद आंदी है, होमे दा इंडिया सैमीनार करके आए हो, सानू दसो की करके आए हो। मेरे परिवार वालियां ने पुछिया ते मैं अपने परिवार वालियां नू बेनती कीती, जदों मैं स्टेज ते बैठ के बोल रहा सी होमे दे सैमीनार बारे तो मैनू पता लगा कि होमे दा मतलब हुंदा है मनू पता नहीं केड़ी अकल कितों आ गई है कि मैं दूजियां ते अवगुण देख सकता हाँ। बस साकत हर साध ना जानिया तिन अंतर होमे कंडा है, जो जो चले चुभे दुख पावे जमकाल सह सी डंडा है, ए होमे है कि मैं दूजियां दे अवगुण फरोल सकदा। मैं इन्ना सियाणा हो गया, मैनू इन्नी अक्ल आ गई है, पता नहीं कित्थों ऐ इंटलैक्ट आ गया है कि मैं दूजियां दे अवगुण फरोल सकदा हाँ। इस आदत दे कारण मैनू दूजियां दे गुण नज़र ही नहीं आंदे ने। यह सब तो वड्डा रोग है, तो जिन्हों ये रोग समझ आ जाए, मनु एक एग्जाम्पल याद आई है, अमेरिका साढ़े स्टोर से एक अमेरिकन गोरी बच्ची काम करन आती सी, उसका एक बॉयफ्रेंड सी, वो काफ़ी 5-6 साल असी उन्होंने देखा कि इन्हों की फ्रेंडशिप चल रही है, अल्टीमेटली उन्हों की शादी हो गई, शादी के 6 महीने बाद ही वो बच्ची स्टोर से आई और वो अखा थले थे काले टब्बे पे हुए से, असी उन्हें पूछा की हो गया तू इन्नी ब्यूटीफुल सी तेरे काले तब्बे पै गए, यू लुक डिप्रैसड, यू लुक सैड, कहती मेरा वो डिवोर्स हो गया। अस क्या तुझते 5-6 साल अपनी फ्रेंडशिप निभाई सी, कहती है मैरिज होने तो बाद पता की हो गया, उसकी ड्यूटी लग गई मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, वो ट्रैफिक का पुलिस वाला बन गया, तो उसकी खास ड्यूटी ये लगी कि जो कार स्पीड से जा रही है, ओवर स्पीड से जा रही है या जिगजैग करके जा रही है, जो कार गलत चल रही है ना उसको पकड़ना है। कहती है पहला मनु कहता सी तेरे च बड़े गुण ने, तू बड़ी चंगी है, तू बड़ी सोहनी है, व्याह तो बाद जो पुलिस अंदर रहा और उसकी आदत बन गई गलत कार कौन सी चल रही है,
फिर तो उन्हें ठीक चलदियां कारां ते नज़र आंदियां ही नहीं सी। ते कहंदियां मेरे जिहड़े ठीक वाले गुण सन ओह उन्हूं भुल गए, हुण दिन रात मेरे चो गलत कार केड़ी चल रही है, मेरा एक्शन कित्थे गलत हो गया, निक्की निक्की गल ते मेरे चो अवगुण लभदा है। भावें पति लभे, भावें पत्नी लभे, भावें बच्चे लभन, भावें नूह सस लभन, जदों अवगुण लभदे आ ना ऐ होमे दीर्घ रोग है। हुण उन्हां दा सोल्यूशन, वो एग्जाम्पल मैं कोट इस करके कीता कि उहदा सोल्यूशन होमे दीर्घ रोग लग गया, डिवोर्स हो गया। पर डिवोर्स होने से पहले अगर ये फीलिंग आ जाए यार मेरे को इसमें अच्छे गुण भी तो देखने चाहिए ना, मैं क्या हर टाइम अवगुण ही कटता रहना, हर वेले घर महाभारत की लड़ाई चलती रहती है, असी पति पत्नी हर निक्की निक्की गल ते लड़ते ही रहने। सानू इंज नहीं करना चाहिए, असी बुरे लग रहे हाँ, साडे घर का माहौल बिगड़ रहा है, साडे गलत आदतों का बैड इंप्रैशन बच्चों पर पै रहा। जो मम्मी पापा ऐसे सोचने लगे, इन्हीं को तो अहंकार आया था, इन्हीं को ईगो आई थी, अब इसी ईगो में से ही वो ये देख पा रहे हैं कि वेयर वी आर रॉन्ग। दारू भी इस माए कि मैं यहाँ गलत हूँ, इनू ही दारू कहते हैं मैं पुत्र वाला हाँ, पर हंकार रहित हो गए, हम चाहे लड़के वाले हैं पर हम दाज नहीं लेंगे। हम क्या है देखने झंकार लगता है पर दारू निकलाया दाज नहीं लेंगे। तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझेंगे, बेटी वाला वतीरा करेंगे, बस होमे दीर्घ रोग है। दारू भी इसमाए कृपा करे जे अपनी मन, जे कृपा मीन्स विजडम नू ले लवे तो गुर का शब्द कमाए वो विजडम कमाण लग पेगा। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਮਦਦ ਜਾਚਾਂਗਾ। ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਏਕਾ ਮਾਏ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੇ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ ਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਉਣ, ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਰਡਿਕਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। This is not particularly a question, matlab direct question, ye ek notion hai, matlab I have been observing youth and I have experienced this myself, like we are all youth and we are all going to jobs, but we often see people that we go and disagree with, so often at times there are some kind of arguments or jis tarah nal matlab pichar kai var nahi mildi hai te kai var banda matlab ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਈਗੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਪ ਇਨ ਯੋਰ ਮਨ, ਔਰ ਲਾਈਕ How to fix this, like if they really want to fix this. Tuhada ki naam hai? Gagandeep Singh. Gagandeep Singh ji, tuhada bahut acha question hai, sade saryan nal hi vapardi hai,
भावें असी कॉरपोरेट सैक्टर से होइए भावें सोशल लाइफ ही होइए और भावें अपने अपने फैमिली ही होइए यस सानू बस ये जाच सीखनी है कि मैं नैक्सट टाइम कम्यूनीकेट किस तरह करा राइट पहली बारी मैं सोचा सी नहीं नहीं यू आर राइट है ना एक कहण की बजाए मैं क्या आई एम राइट मैं यही प्रूव करता रहा कि आई एम राइट है ना कभी पेशेंस के नाल रुक के आराम के नाल दूजे का ओपीनियन भी सुन लीए है ना अच्छा मैं ना उन्हों बोल दिता सी तेरी मम्मी का खसम मैं एक सेंटेंस बना रहा काफ़ी रूड है आई एम सॉरी तेरी मम्मी का खसम वो नाराज ही हो गया वो लड़न ही लग पाया हूँ वो लड़न का कारण की है मैं गलत लैंग्वेज यूज की सी है ना सो मैं नैक्सट टाइम वो हारमोनीयस लैवल बनाने हारमोनी बनाने नैक्सट टाइम मैं नहीं कहंगा मैं नैक्सट टाइम कहंगा तेरे पापा है ना एग्जाम्पल है करैक्ट असी एक एग्जाम्पल जोक भी डिस्कस करते हाँ कि एक बंदा आया बस अड्डे ते और बस अड्डे ते आके ड्राइवर और कंडक्टर ढाबे ते रोटी खा रहे से उन्होंने आके कहंदा ओए पाऊ ये खटारा कदों चलूगी ओए पाऊ ये खटारा कदों चलूगी तो इस तो बाद लड़ाई हुई और पुलिस आ गई तो पुलिस ने पूछा क्या हुआ था तो ड्राइवर कहंदा झगड़ा हो गया था क्योंकि इसने कहा था ओए पाऊ ये खटारा कदों चलूगी तो मैं कह जदों तेरे वर्गे कबाड़िया नाल पड़ जाएगी झगड़ा शुरू हो गया ना सो असी दूजे नू ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम कैसे बोलते हो साढ़े प्रोग्राम जितने सुनन आते हैं ना वो सारे प्रोग्राम जी पति और पत्नी सुन के घर जाते हैं तो एक दूजे ने कह सुना था ना वीर जी ने कहा था ना अपने बारे नहीं सोचते हाउ आई एम सपोज टू एक्ट हाउ माई डिलीवरी शुड बी अपने बारे नहीं जेडे पापा गुस्सा करते ने असी एक सैमीनार किया सी क्या पापा आप भी कुत्ते की तरह भोगते हो ये सेंटेंस कई मम्मी पापा नू कई अपनी सास नू भी कह देंदे ने लेकिन पापा नू ते गल माफक नहीं है सो एक बच्चा अपने पापा दे कहण ते सैमीनार ते आया और सारे रस्ते और घर जाके हर रोज़ पापा नू कहना शुरू करता वीर जी ने कहा था ना कुत्ते की तरह मत भोगा करो लेकिन अपना एक्ट ध्यान ही नहीं किया कि मैं कैसे एक्ट करता हूँ मैं कैसे बोलता हूँ मैं कैसे मिसबिहेव करता हूँ मैं कैसे घर का डिसिप्लिन तोड़ता हूँ इंज सानू अपने बारे बस सोचना तुहाडा क्वेश्चन बहुत जोरदार है मैनू पता नहीं कि मैं आंसर कर सकिया कि नहीं पर तुसी खुद आंसर किया है कि नैक्सट टाइम वास्ते वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि मैं ओदी भी सुनांगा और अपना पक्ष नम्रता नाल रखांगा उच्चा नहीं बोलांगा है ना दूजे नू इंसल्ट नहीं करांगा हाँ कोई गल नहीं नो प्रॉब्लम दूजा साड़ी पत नहीं ला सकता करेक्ट पत कदों लथदी है जदों मैं डीमन थॉट्स दा पल्ला पकड़दा इंजूरियस पॉइजनस एक्शंस का पल्ला पकड़ता हाँ अगर इस बारी उसने मेरे को गाली निकाली ना तो मैं चार निकालूंगा मेरे को ऑफिस में भी सबने बोला तू चुप क्यों कर गया था है ना बस ता साड़ी पत लथती है किसी दे कहन ते नहीं लथती डीमन थॉट्स डिसहार्मनी क्रिएट करती हैं ना मेरे वालों नहीं होनी चाहती है ना मैं नाकोबेरी नहीं बिगाड़ना सगल संग हमको बनियाई वाला जीवन जीना दूजा मेरे नाल नफरत कर सकता है दूजा मेरे बारे निंदा कर सकता है दूजा मनु छोड़ के जा सकता है मेरे मन में किसी के बारे में दुश्मनी नहीं है और कोई मेरे चाहे हजारों दुश्मन हो करेक्ट जलंधर तो आया वीर जी हाँ जी मैं तो वाहिगुरु जी आईज़ जी ऑप्टिकल स्टोर जलंधर से जी जी हाँ जी एक दो डाउट क्लियर कर दे वीर जी गुरु साहब कहते ने जिन प्रेम की हो तो नहीं पर पायो तो दास जिथे जिथे भी प्रेम करता हूँ तक सिर्फ दो प्राणी मिले आ बाकी उन्होंने प्रेम की लैंग्वेज मनी होंगी है हाँ जी वो प्रेम गुरु वाला या प्यार वाले या रूहानियत प्रेम नहीं मिलता वीर जी जो आप किरत करते हैं विचरते हैं तो हर इंसान ने विचरना पैंता मिलना पैंता नहीं नहीं तुसी अपना नाम बोलो जी ना हाँ जी दलजीत सिंह जी
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਬੀਂਗ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖਿਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ तुमने वो थॉट प्रोसेस फिक्सअप करना है मैंने उस डीमन थॉट्स वाले वाइसेस वाले थॉट प्रोसेस की प्रैक्टिस मैंने नहीं करनी है ये मेरा प्रेम है तुम मेरी निंदा करते हो मैंने तुम्हारी नहीं करनी तुम्हारे कसूर मैं जानता भी हूं मैंने पर्दाफाश नहीं करना तुम्हारा मैंने तुम्हारी निंदा नहीं करनी मैं लोगों में तेनू नहीं भंडना क्योंकि मैं तेरे नाल प्रेम है प्रेम इज माई चॉइस पर मेरे कारण लोग बदलन ਇਹ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੀਮਨ ਥੌਟਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਡੀਮਨ ਥੌਟਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਚਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂ ਪਰ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਗਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਪਸੰਦ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦਾ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਖਿਆ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਗਰੰਟਿਡ ਲੈ ਲੇਗਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੈਨੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿਰ ਹੀ ਘਟਾ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਭੈੜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਸੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਪਈ ਅੜੇ ਸ਼ੋ ਸੇਵ ਤੂੰ ਸੌ ਰੜੇ ਸੁੱਖ ਬਸ ਗੁਰਮਿਲ ਚੱਜ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਦ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੁਧਰਦਾ ਜਾਏ ਰੈਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਵੇ ਬਸ ਸਤਿਵਚਨ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਮੋਟੋ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ